सीताराम लक्ष्मण की करुणा कृपा से भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की अनुकंपा से नए वर्ष के आगमन से पहले महेश्वरी वाणी ईश्वरपुर अहमदाबाद में अखानी परिवार की ओर से भारत में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के पूर्व वेला में आदि कवि वाल्मीकि जी की रचित रामायण जो पुनः तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में प्रकाशित की और राम जी का नाम जो जन जन में और कण कण तक हमारी सभ्यता में एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम कहते थे, सो राम हमारे घरों का शब्द है। उस भगवान श्री रामचंद्र के ग्रंथ रामायण जिसको आदि कव्य कहते हैं, काव्य 24,000 श्लोकों का ये 7 कांडों में कई सर्ग श्लोक अध्यायों का अनुपम भारतीय वैदिक साहित्य का इतिहास का ग्रंथ है। 4 वेद के उपरांत 2 हमारे पास इतिहास है, रामायण और महाभारत। सो इस इतिहास राम अयनम यस्य स रामायण, राम के घर को रामायण कहते हैं। तो जैसे घर में कमरे होते हैं ऐसे रामायण में कांड है। पहला बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्कंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है और उसके उपरांत रामचंद्र के राज तिलक अयोध्या में होने के उपरांत लव कुश आदि के जन्म, इसको फिर उत्तर कांड कहते हैं। तो इन 9 दिनों में, 9 दिनों का ये जो पारायण है रामायण का, इसमें रामायण का मूल पाठ भी होगा और प्रतिदिन सायंकाल को जो समय निर्धारित किया है समाज और आयोजकों ने उसके अनुसार इस भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य चरित्र का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसके चरित्र को हमारे जीवन में बहुत शिक्षाएं हैं जो आवश्यक हैं इस समय समाज के अंदर, रामचंद्र की कथा के साथ साथ जो हमारे समाज के अंदर हमारे जीवन में मानव जीवन के दुर्लभ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अनुपम, जिनकी उपमा नहीं दी जा सकती, जिसका तुलना नहीं हो सकती, उन शिक्षाओं का भी हम श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे। कलि काल में, कलयुग के अंदर,
हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव कलौ केवलम कलौ नास्तेव 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 कतिर अनंत। कल युग में और कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र हरि नाम हरि नाम हरि नाम, राम एव नाम राम एव नाम राम एव नाम केवलम, केवल राम नाम केवल राम नाम केवल राम नाम। और कल युग में कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं कोई रास्ता नहीं। सो राम जी के नाम, राम जी के नाम में और राम में कोई अंतर नहीं है। एक बार ऋषियों की बहुत बड़ी गोष्ठी हुई, उसमें ये प्रसंग उठाया गया कि राम बड़े के राम का नाम बड़ा, तो दो भाग हो गए, दो पक्ष हो गए, एक कहे राम बड़ा एक कहे के राम का नाम बड़ा। तो वहां नारद जी हनुमान जी को कहते हैं कि आप एक सेवा करनी है, एक काम करो, सुबह जब आप रामचंद्र को प्रणाम करने के उपरांत सबको प्रणाम करते हो, तो ये विश्वामित्र जी जो राम जी के गुरु भी हैं, गायत्री मंत्र के सार्थक करने वाले ऋषि हैं, इसको प्रणाम मत करना। हनुमान ने कहा ये तो अवज्ञा हो जाएगी, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। नारद जी ने कहा मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। दूसरे दिन सुबह सभा में हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र क्रोधित हो गए, कहा ये मर्यादा का उल्लंघन है, राम जी ये आपका कैसा सेवक है, इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। राम जी अपने गुरु जी को क्या कहे, सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र तो राम जी को विश्वामित्र ने दिए हैं, राम जी तो गुरु के आगे मूक हो गए, कुछ नहीं बोले, कहा जैसे आपकी आज्ञा गुरु जी। अब हनुमान जी कहते हैं नारद जी आपने हमारे आराध्य स्वामी राम जी को संकट में डाल दिया, अब उनको गुरु जी का आदेश है कि मेरे को मृत्यु दंड दे। गुरु जी का तो वो आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकते और मैं उनका सेवक हूं, उसके ऊपर वो बाण कैसे चलाएंगे, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा संकट आपने उपस्थित कर दिया। नारद ने कहा आप एक काम करो, सरयू के दूसरे तट पे जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ और राम 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 राम, आपका जो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राघव राजा राम पति पावन सीता राम।
शुरू कर दो। और विश्वामित्र ने कहा कल प्रातः पहला काम राम जी आपको हनुमान को मृत्यु दंड देना है। दूसरा दिन सुबह हुआ, विश्वामित्र जी को राम जी जैसे प्रणाम करने कहे, बोला आज्ञा का पालन हो। पता क्या कहाँ है हनुमान जी का है, पता करो हनुमान जी कहाँ है। तो समाचार मिला कि हनुमान जी सरयू के दूसरे तट पे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और राम नाम का जप कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं। तो सब संतों का समाज वहां इकट्ठा हो गया, वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र जी और जितने संत वहां आए हुए थे, मुद्गल आदि, वो सब वहां आ गए। अब राम जी धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। वैसे राम बाण शब्द का अर्थ है, राम बाण का मतलब एक जगह अपने निशाने पे जाके अवश्य ही पूरा काम करके बाण वापस लौट आता है। राम बाण का मतलब है वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। आज राम जी का बाण जा रहा है, हनुमान जी के वहां चक्कर लगा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि राम जी का बाण हनुमान जी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वापस नहीं आ रहा है। सब लोग आगे बढ़ के वहां देखें तो हनुमान जी के मुख से तो राम राम, श्याम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, सीताराम सीताराम, ऐसे उच्चारण हो रहा है। बाण उसके चारों ओर घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उसको छू तक नहीं रहा है। तब नारद जी ने वहां प्रकट होके कहा, आपके इस सभा में राम या राम का नाम बड़ा कौन है? तो मैं दोनों में से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी ना, इसलिए मैंने हनुमान जी को कहा था कि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। हनुमान जी ही तो बड़े दुखी थे, परंतु मेरे कहने के ऊपर उन्होंने ऐसे किया। अब विश्वामित्र जी आप क्षमा कीजिए, मुझे ये सिद्ध करना था, ये प्रमाणित करना था, ये साबित करना था कि राम नाम राम जी से भी महान है। देखो ये राम नाम जप रहा है हनुमान, राम जी बाण चला रहे हैं, इसको छू तक नहीं रहा। और फिर ये सिद्धांत स्थापित किया कि राम जी के अवतार के समय अहल्या का उद्धार किया भगवान ने, सुग्रीव का को राज दिला के उसका कल्याण किया, विभीषण को लंका का राज दिया, ऐसे कुछ लोगों का उद्धार किया, परंतु राम नाम लेते लेते आज लाखों सालों से लाखों लोग भगवान को याद करके भगवान को पा रहे हैं। इसलिए राम का नाम और राम में कोई अंतर नहीं है, फिर भी राम का नाम राम से ज्यादा बलवान है राम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राम को प्राप्त करने का साधन ही राम का नाम है। तो जो साधन है वो ज्यादा बलवान है, इसलिए अधिक जितना अपने जीवन में भगवान के नाम का धन इकट्ठा कर सको वो है असली धन, साचा धन, सच्चो धन वो है राम नाम जो हमारे साथ जाने वाला है। जितना जिससे इकट्ठा करना है ये धन इकट्ठा करो, इस धन को न आग जला सकती है न पानी भिगा सकता है, इस धन को न हवा सुखा सकती है, ये धन निरंतर आपके साथ रहेगा। कली काले कली केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। कलयुग में एक ही आधार है भगवान जी का नाम, कली केवल नाम आधारा, सुमर सुमर, सुमरण का मतलब है ये जो माला है ना, इस माला को संस्कृत में सुमरणी कहते हैं, इसके ऊपर भगवान के नाम का सुमरण किया जाता है। सुमरण का मतलब आप ये धन इकट्ठा कर रहे हो वास्तव में, जैसे नोट घर में गिनने को और गिनते हो जितने अधिक आते हैं उतनी खुशी होती है, ऐसे जितना भगवान का नाम
जीवन में जपा जाए वो असली धन है, वो कथा होता है। ये इससे एक बाहर भी एक माला है, इसका नाम होता है संख्या। संख्या का मतलब गिनना कि आपने कितना धन आज इकट्ठा किया, आपके जीवन में कितना धन इकट्ठा हुआ। हमको ये पूरी एक माला हो गई तो इसका मतलब 100 बार नाम का जप हो गया। 108 होता है परंतु 100 हम उसको गिनते हैं। तो ऐसे अभी तक चार माला हो गई तो 400 का जप हो गया। वैसे हमारा तो ये प्रार्थना है कि यहाँ राम नाम का जप किसी समय कम से कम परिवार वाले लोग जो है ये महामंत्र का जप रोज का सब मिला के 1500 करेंगे तो अंतिम दिन जो यज्ञ होता है उस यज्ञ में उसका 10वां भाग आहुति में दिया जाता है। मानो कि आपका अगर 100,000 का जप होता है तो 10,000 राम नाम की आहुति दी जाएगी। तो दशांश उसका यज्ञ होता है, इसके लिए पूर्ण आहुति के बाद यज्ञ जो होता है वो जितना जप होता है उसका 10वां हिस्सा होता है। तो कभी कभी तो 2-4 ब्राह्मणों को बुला के जप के लिए कहते हैं, परंतु स्वयं घर वाले जप करें उसका लाभ ज्यादा है। माला है लेकिन घंटा आधा घंटा रोज बैठ के महामंत्र का जप कर लें, उसमें राम का नाम भी है, सिर्फ राम राम करें तो भी बहुत बड़ी बात है। ये 9 दिन में 900,000 इकट्ठे कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाए। असल में ये असली धन है। और राम जी की इस 9 दिवसीय कथा में आज हम बालकांड का शुभारंभ करेंगे। और वाल्मीकि रामायण हमारा मूल जो है प्रवचन का उद्देश्य होगा, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ तुलसीदास की रामचरितमानस का भी जो है सहारा लिया जाएगा। रामायण तो बहुत है, आध्यात्मिक रामायण है, हनुमान नाटिका है, बहुत से रामायण प्रचलित है दक्षिण भारत में। सबसे बड़ा धनी मंदिर दुनिया का तिरुपति है, सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का रंगनाथ है। ये जिन मंदिरों के जो पूजा करने वाले हैं वो रामानुज संप्रदाय है, रामानुज आचार्य उनके आचार्य हैं। जो संप्रदाय लक्ष्मी जी ने शुरू की है इसलिए उनके तिलक के बीच में लाल लकीर होती है। दोनों तरफ तो ऐसे ही गोपी चंदन का तिलक होता है लेकिन बीच में लाल लकीर लक्ष्मी का जो है स्थान होता है। और रामानुज संप्रदाय का मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। वो सारी संप्रदाय वाल्मीकि रामायण के ऊपर ही जो आधारित है। जैसे हम कहते हैं हमारा जो हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ है या हरे कृष्ण संस्था है, ये भगवद गीता के ऊपर आधारित है। हमारा मूल ग्रंथ जिसका हम आशा आधारा जिसका हम सहारा लेते हैं वो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम है। भागवत और ऊपर है लेकिन भगवद गीता के ऊपर ये सारी संस्था का आधार है। तो कोई भी संस्था तभी प्रमाणिक मानी जाती है जब कोई आरस वैदिक ग्रंथ उसका आधार होता है। बिना शास्त्र के किसी भी संस्था का कोई आधार नहीं माना जाता है। साधु समाज में शास्त्रों के ऊपर जिन जिन आचार्यों ने ऋषियों ने गीता के ऊपर टीका लिखी है, वेदांत के ऊपर समझानी लिखी है और कम से कम 8 उपनिषद के ऊपर टीका लिखी है, उसी को प्रमाणिक संप्रदाय माना जाता है। ऐसे संप्रदाय भारतवर्ष में एक दृष्टि से शंकराचार्य की संप्रदाय है, उन्होंने इन सब के ऊपर टीका लिखी है।
और चार वैष्णव संप्रदाय है, और उन चार वैष्णव संप्रदाय में इन सब ने इन शास्त्रों के ऊपर अपने अपने संस्कृत के श्लोकों को समझाने के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। एक संप्रदाय जिससे हमारे सारे पुराने पूर्वज जो हमारे बड़े थे बुजुर्ग, वो जिस संप्रदाय से जुड़े थे, वो संप्रदाय भगवान शंकर जी की शुरू की हुई है, उसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। उस रुद्र संप्रदाय के मूल आचार्य विष्णु स्वामी थे, और उसके उपरांत जो बहुत प्रतिष्ठित आचार्य जिसका प्रभाव गुजरात और राजस्थान के ऊपर बहुत अधिक था, वो थे श्रीपाद वल्लभ आचार्य। और श्रीपाद वल्लभ आचार्य रुद्र संप्रदाय के हैं। भगवान शंकर जो भागवत का पाठ करते हैं, उस भागवत के पाठ को एक साल में शंकर जी भागवत का पाठ पूरा करते हैं, और पार्वती सुनती है, और फिर पार्वती 2 साल में भागवत का पाठ करती है, तब शंकर जी सुनते हैं। उन्हीं शंकर जी की संप्रदाय में श्रीपाद वल्लभ आचार्य, और ये वल्लभ आचार्य के गोस्वामी, ये एक संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, विष्णु स्वामी के नहीं, वल्लभ संप्रदाय में सारे ही महात्मा ग्रस्त है, उनका परिवार है, वो साधु सन्यासी नहीं, एक ही ये संप्रदाय वैष्णव है, जिसमें जो पूजन्य आचार्य गण होते हैं, महंत होते हैं, वो ग्रस्त होते हैं, उनको कहते गोस्वामी हैं। वो हमारे पास आया करते थे, वो थर वो मिट्टी छाछरों तक आया करते थे पार्टीशन से पहले। छाछरों में माधवदास रामा नंदी संप्रदाय के थे, रामानुज के साथ रामानंद संप्रदाय भी है, रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है, रामानंद संप्रदाय में सीताराम लक्ष्मण की उपासना होती है। तो ये रामानंद, वहाँ तो राम द्वारा था, तो राम जी की वहाँ उपासना होती थी, उनका फिर आश्रम यहाँ अपने आबू रोड में हुआ करता था, माधवदास जी का, जो हमारे पास छाछों में थे। और जितने भी हमारे पूर्व मंदिर, जैसे हमारे मिट्टी में सारे मंदिर राधा कृष्ण के थे, ये सारा प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का था। वल्लभ संप्रदाय का आराध्य देव देव भगवान श्री कृष्ण है, नाथ जी, ये नाथ द्वारा जो हमारे पास प्रसिद्ध है, ये वल्लभ संप्रदाय के द्वारा पूजा जाता है, जो भगवान श्री नाथ जी गोपाल कहते हैं या गोवर्धनधारी कहते हैं। तो ये हमारी पुरानी संप्रदाय जो महेश्वरी समाज ढाट से आया हुआ है, ये रुद्र संप्रदाय में वल्लभ आचार्य के अनुयायी हुआ करते थे। हमारे बड़े भी थे, अगर आपने पुराने जमाने में देखा हो तो एक यू शेप लाल तिलक लगाया करते थे पुराने लोग, जो हमारे घर में एक चांदी की ऐसे यू शेप बनी होती थी तिलक लगाने की, हमारे घरों में हुआ करती थी, और अभी तक भी वल्लभ संप्रदाय में ऐसे ही तिलक लगता है। तो चार संप्रदायों में, एक तो आपको बताया लक्ष्मी जी की संप्रदाय है रामानुज, उसका मूल ग्रंथ जो है वो वाल्मीकि रामायण है। वल्लभ संप्रदाय का मूल ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। श्रीपाद वल्लभ आचार्य ने कोई 108 स्थानों के ऊपर भारत में पूरा भागवत का पाठ किया है, उनको बैठक कहते हैं, वल्लभ आचार्य की बैठक है, वो बैठकों के ऊपर आज सब जगहों पे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने भागवत का पाठ किया है वो स्थान आज भी पूजन्य बने हुए हैं, कि वहाँ वहाँ महाराज जी ने बैठ के भागवत का पूरा पाठ किया था। तो वो भागवत की संप्रदाय है। और एक संप्रदाय चार कुमारों के द्वारा शुरू की हुई है, सनक सनक आदि कुमार, ये ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, इनकी संप्रदाय में निम्बार्क आचार्य आए, ये राजस्थान में अजमेर के पास में है, निम्बार्क सलीमाबाद में निम्बार्क आचार्य का बड़ा पीठ है, और ये जयपुर के महाराज, ये सब निम्बार्क आचार्य के अनुयायी हुए। अब देखें जयपुर के अंदर भी
भगवान राधा गोविंद देव का मंदिर महाराज ने अपने राजमहल में बनाया हुआ है, जो दरबार आम है उसमें मंदिर बनाया हुआ है। और जयपुर के महाराज को जब इंग्लैंड में बुलाया गया अंग्रेज के शासन के समय, तो उन्होंने कहा राजा तो हमारा भगवान गोविंद देव है, उसको आने के लिए पुरानी नाव नहीं चलेगी, पानी का नया जहाज दिया जाए। और अंग्रेज ने पानी का नया जहाज बनाया, बोला हमारे भगवान का रोज स्नान गंगा जल से होता है, हम यहाँ से जाएंगे आएंगे हमको 2 महीने लगेंगे, 2 महीने तक गंगा जल चले इतना हमको बर्तन बनाना पड़ेगा, और बर्तन शुद्ध चांदी का होता है। आप कभी जयपुर में जाएंगे जयपुर के म्यूजियम में, तो 2 बड़े चांदी के नादियाँ बनी हुई हैं, कोई 100 लीटर से बड़ी होगी, 150 लीटर की, और चांदी की है, और बड़ी 2 ऐसी चांदी की नादियाँ बनाई गई, बड़े मटके बनाए गए जिसमें गंगा जल भरा गया। फिर पानी के जहाज के अंदर गोविंद देव जी को राजा लेके साथ में यहाँ से जयपुर के राजा के मुख्य मंदिर जितने भी आप वृंदावन में जाएंगे बरसाना में ऊपर जाएंगे, तो 4 कुमार भी मंदिर में है और राजा कृष्ण का मंदिर है, उसको कहते हैं जयपुरिया मंदिर। वृंदावन के अंदर जयपुर के महाराज के बहुत बड़े मंदिर है, एक जगह ही है उसका नाम है जयसिंह घेरा। ये जयसिंह महाराज जयपुर के थे, उन्होंने ये सारे जितने मंदिर मुख्य थे गोविंद देव के, मंदिर का निर्माण भी जयपुर के महाराज मानसिंह ने अकबर से अनुमति लेके कराया था, और लाल पत्थर का इतना सुंदर वो मंदिर बना हुआ था कि उसके शिखर का सोने का कलश आगरा में औरंगजेब को चमकते जब देखने में आता था पूर्णमासी को, उसका ऊपर का उसने हिस्सा कटवा दिया था, वो कटा हुआ टूटा हुआ मंदिर आज भी पुरातत्व विभाग का जो है स्मारक है। और फिर उस गोविंद देव को वहाँ से जयपुर के महाराज सुरक्षा के लिए लेके जयपुर में आ गए, जो असल में वृंदावन की ठाकुर है। तो ऐसे ये संप्रदाय निम्बारक संप्रदाय है, इसमें भी भागवत उनका मूल ग्रंथ है, और जिस संप्रदाय से इस वक्त जिसके अंतर्गत हम सेवा कर रहे हैं, इस संप्रदाय को कहते हैं ये ब्रह्मा जी की शिव की हुई है। और ब्रह्मा जी की संप्रदाय में जो मुख्य आचार्य आए वो मध्वाचार्य, ये मध्वाचार्य उड़पी जो दक्षिण भारत में है वहाँ भगवान श्री कृष्ण का मूल विग्रह रुक्मणी द्वारका में पूजा करती थी। बाल कृष्ण है, हाथ में दही के मंथन करने वाली एक मंथानी का मतलब जेरणु वैरात्मी, और कृष्ण की मूर्ति जिकरात्मी जेरणु, द्वारका से एक पानी के जहाज में बैलेंस को ठीक करने के लिए एक बड़ा गोपीचंद का पत्थर डाला गया, गोपीचंद रखा गया। वो नाव समुद्र के किनारे जब उड़पी के पास पहुंची तो नाव अटक गई, वहां मधु आचार्य बैठे थे, अभी बच्चे थे जवान, उन्होंने उस नाव को वहां से बाहर निकालने में उसकी सहायता की, तो उन्होंने कहा कि ये गोपीचंद है, आप साधु आपको काम आएगा, वो जो गोपीचंद का इतना बड़ा टुकड़ा दिया उसके अंदर से वो मूर्ति निकली जो मूर्ति यहाँ द्वारका में पूजी जाती है, वो मूर्ति आज वहाँ पूजी जाती है, वो मुख्य ब्रह्म संप्रदाय का मध्वाचार्य का मंदिर है, वो मुख्य पीठ है मध्वाचार्य का। उसके अंतर्गत फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 525 साल पहले भारत में इस महामंत्र का मुख्य रूप से प्रचार किया, उनका आराध्य देव कृष्ण है। जैसे वास्तव में देखा जाए वल्लभ संप्रदाय में आराध्य देव है छोटा सा गोपाल, वो कहते हैं लाला, लाल जी कहते हैं छोटा गोपाल, उनकी पूजा है कि भगवान 7 वर्ष के हैं तो उनको सवेरे नहीं उठाना चाहिए, जैसे बच्चे के लिए खिलौने रखेंगे आप देखेंगे, और उनका साथ। और जो होली में आप फाग गाते हैं, जो हमारे किताबों में होली के जो लिखे हैं राग, ये सब वल्लभ संप्रदाय, ये पूरा का पूरा वल्लभ संप्रदाय के वो जो गाने वाले हैं, इतते आई राधिका वहाँ ते आया कुरकुमर कन्हैया,
ये होली खेलन आए, ये सारे वल्लभ संप्रदाय के पुराने राग हैं जो वो गाते हैं, हमारे बड़ों ने वहाँ से ली, हमारे मंदिरों में गाए जाते हैं। ऐसे आप कभी वल्लभ संप्रदाय में जाएंगे, वो सुबह भगवान को बच्चा को जैसे खिलाते हैं ऐसे गाएंगे, फिर ग्वाल वेश होगा कि अब गैया चराने जा रहे हैं भगवान, तो वो बच्चे की तरह उनका सारा देखभाल करते हैं। तो उन वहाँ बाल गोपाल की पूजा है, वहाँ भी गोपाल की पूजा है, और चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की पूजा को शुरू किया। राधा कृष्ण की पूजा इससे पहले प्रचलित नहीं थी, कृष्ण की पूजा थी लेकिन राधा के साथ कृष्ण, गोविंद जी के साथ भी राधा जी नहीं थी। जब जयपुर में गोविंद जी गए तो राधा जी साथ में नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से राधा रानी का विग्रह भेजा कि इनके साथ इनको विराजमान करो। सो मध्व गौड़िया, गौड़िया कहते हैं बंगाल को, बंगाल को कहते हैं गौड़ देश, जैसे उत्कल देश, गौड़ देश, ये हमारे पास द्रवणी देश, ये भारत के पुराने ये पंच जो ये देश कहलाते थे, तो ये गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ है, बंगाल कलकत्ता से आगे गंगा जी के तट पे। तो इसको कहते हैं गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय का मतलब बंगाल से उत्पन्न हुई संप्रदाय, जिसमें राधा कृष्ण की पूजा मुख्य रूप से होती है, और मूल ग्रंथ जो है वो भागवत है, भागवत प्राणम अमलम। सो यहाँ इसलिए हम ये सब आपको बताया कि मुख्य रूप से हम जो वाल्मीकि रामायण का आधार, वाल्मीकि रामायण रामानंद संप्रदाय का है, और प्राय रामानंदी साधु जो हमारे पास राजा दिखते हैं ऐसे बड़ा तिलक सफ़ेद और बीच में लाल लकीर, ये रामानंदी साधु कहलाते हैं, ये रामचरितमानस का प्राय पाठ करते हैं और सीता राम लक्ष्मण की उपासना करते हैं। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना के आपके इस मंदिरों के अंदर प्रभुपाद ने उस समय सीताराम लक्ष्मण को बॉम्बे के मंदिर में स्थापित किया, राधा राजबिहारी के साथ सीताराम लक्ष्मण है। और यहाँ भी इस मंदिर में हमारा जो यहाँ मंदिर है हरे कृष्णा इस्कान का मंदिर, राधा गोविंद देव के साथ सीताराम लक्ष्मण है, और नाथ जी गोपाल को भी रखा है, ये सारे प्रमाणिक हमारे आराध्य देव हैं, जिसका जो इष्ट है राधा कृष्ण है या सीताराम है या गोपाल है, तो वो उस इष्ट की उपासना करता है, लेकिन ये सारे प्रमाणिक हैं, इनकी उपासना करना वास्तव में भगवान की उपासना है, अन्य उपासना देवता की उपासना होती है। देवता हमारे जैसे जीव ही है, देवता हमारे जैसे जीव है, हम में से कोई भी देवता बन सकता है अगर उसके ऐसे कर्म हो तो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं में एक मनु का जब शासन चलता है तो उस वक्त एक भगवान का अवतार होता है, उसको कहते हैं मनुअंतर अवतार, वो एक व्यक्ति को इंद्र चुनता है, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं वो इंद्र बनने के लिए अधिकारी है, वो इंद्र बन सकता है। इस वक्त जो इंद्र है वो अब पूरा हो जाएगा उसका जब समय है, तो इसके बाद बलि महाराज इंद्र बनेंगे भविष्य में, तो इंद्र कोई जीव बन सकता है, शंकर नहीं बन सकता, विष्णु नहीं बन सकता, बाकी सारे देवों का स्थान के ऊपर योग्य व्यक्ति ब्रह्मा भी बनता है। तो जो देवता है वो जीव है, ऐसे कहते हैं जीवों में 78% गुण होते हैं, अच्छे गुण 78%, वैसे कहते हैं 50 है लेकिन परसेंटेज निकालते हैं तो 50% गुण जीव में, वही गुण ज्यादा मात्रा में, मतलब हमारे में अगर 50% है तो वह 70-80% देवता में होते हैं, गुण वही 50 होंगे, उससे ज्यादा नहीं। शंकर जी में उनसे 5 गुण ज्यादा है, जो किसी देवता और में नहीं है, इसलिए वो महादेव है, वो 5 गुण अलग है जो किसी देवता में नहीं है, किसी इंसान में नहीं है, वो शंकर जी में। शंकर जी से 5 गुण ज्यादा विष्णु में,
जो शंकर जी में भी नहीं है। और विष्णु से भी चार गुण ज्यादा श्री कृष्ण में है। बांसुरी विष्णु के पास नहीं होती है, लीला नहीं होती है, कभी अवतार भी नहीं होता है। लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, रूहा, वेणु माधुरी। तो ये और जब ऐसे कह दो 50, 55, 60, 64 तो सब 64 हैं। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण हैं। तो इसलिए परसेंटेज उसका निकालेंगे तो 78% जो है वो जीव में है, उतने ही देवता में होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है, उनमें गुण जो है, जो विष्णु के गुण है उतने तो हैं, उसके अतिरिक्त भी एक, इसके गुणों के अतिरिक्त एक और सिद्धांत है कि सब 12 रस हैं, उनमें से 5 रस मुख्य हैं जो हम सब के अंदर होने चाहिए। कोई एक रस हमारे अंदर हो, वो रस का मतलब है हमारा भगवान से रिश्ता। 5 रसों के नाम है शांत रस, दास रस, सखा रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। इसका मतलब किसी का भगवान से, भगवान मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ, ये नहीं। भगवान महान है, हम उसको नमस्कार करते हैं, ये शांत रस है। भगवान को महान मानते हैं, सनकादि ऋषि वही है शांत रस के भक्त, भगवान महान है। इससे ऊपर है दास भक्त, जैसे हनुमान कहते हैं राम जी मेरे स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ, ये दास भक्त। इससे ऊपर है कि भगवान मेरे मित्र है, जैसे अर्जुन कहे कि कृष्ण मेरा सखा है। इससे ऊपर भगवान मेरा पुत्र है, जैसे कौशल्या कहेगी राम मेरा बेटा है, दशरथ कहेगा राम मेरा बेटा है। ऐसे हम में से किसी का भी, हमारे घरों में छोटे लड्डू गोपाल जो है, ये वल्लभ संप्रदाय से आए। लड्डू गोपाल की पूजा वल्लभ संप्रदाय से हमारे घरों में आई है। उसका भाव है कि भगवान हमारा छोटा बच्चा है, हम इसके माता पिता हैं, इसका पालन पोषण करें, ये वात्सल्य भाव है। और भगवान हमारा प्रीतम है, हम उससे प्रेम करते हैं, जैसे गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये माधुर्य भाव है। ये 5 मुख्य रस हैं। इसके साथ 7 रस और मिलाए जाते हैं, सब मिला के 12 रस हैं। ये 12 रस परिपूर्ण रूप से वैकुंठ में नारायण में 2.5 रस है, बस। शांत रस है, दास्य रस है, थोड़ा सा सखा रस है, बस। रामचंद्र में ये 12 रसों में से 12 ही रस हैं, थोड़े थोड़े, परंतु परिपूर्ण रूप से ये 12 रस भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए उसको कहते हैं रस राज कृष्ण। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। कृष्ण की लीला केवल समझने की कोशिश करनी है, रामचंद्र की लीला कुछ कुछ अनुकरणीय है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये असल में हमारे सनातन वैदिक, जिसको वर्णाश्रम या अब भाषा में हिंदू शब्द आ गया, इस धर्म की 1500 साल बाहर के लोगों के राज के समय मुसलमानों का राज था, फिर अंग्रेजों का राज था, उस समय इस रामायण की कथा ने हमारे धर्म के अंदर सुरक्षा से हमारे को बचा के रखा। ये रेत में हमारे बड़े जो थर में चले गए थे, ये धर्म को बचाने के लिए गए थे। उस वक्त जहाँ बड़े शहरों में जो मुगलों का राज था या उससे पहले तुर्कों का राज था, इनके समय में हम लोग थक जाके वहाँ रहे थे जहाँ हम लोग पहुँच भी नहीं सकता है, पानी भी नहीं मिलता है। तो ये हम सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए वहाँ चले गए। सो धर्म के ऊपर चलने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इस रामायण ने हमारे घरों में भाइयों के प्यार को सुरक्षित रखा, नारी के धर्म को सीता के धर्म ने सुरक्षित रखा, भाइयों के धर्म को लक्ष्मण और भरत के धर्म ने सुरक्षित रखा, सेवा के भाव को शत्रुघ्न ने सुरक्षित रखा,
ऐसे ये रामायण घर घर में कथा पेड़ पेड़ के नीचे बैठ के महात्मा करके हमारे इस धर्म की ऐसे वक्त में नहीं, तो आप देखें अफगानिस्तान किसी वक्त में पूरा वैदिक राज था लेकिन आज एक भी आदमी वहाँ नहीं, सारा बदल गया। लेकिन यहाँ भारत अभी तक क्यों सुरक्षित है? और सबसे पहले तो देखा जाए जहाँ से हम आए हैं सिंध प्रदेश, वहाँ कितने आक्रमण हुए, कितने हुए, लेकिन फिर भी हमारे लोग कैसे धर्म को बचा के रखे। असल में हम कितने पुराने हैं सिंध में रहने वाले जो थे हम टुकड़ा, जो सिंध इतना छोटा नहीं है जिसका नक्शा आज आप देख रहे हो। ये कच्छ काठियावाड़ ये सिंध में आता था, सिंध सोवेर का राजा महाराज रघुवर्ण, सिंध और सौराष्ट्र का राजा और वहाँ केच मकरान तक सिंध हुआ करता था। सिंध पुराना बहुत बड़ा, सिंध तो बहुत पुराना है, आज भी दुनिया के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो की है। सबसे पुरानी सभ्यता 7000 साल से पुरानी मोहनजोदड़ो की है, उससे पहले की सभ्यता दुनिया में कहीं भी नहीं। तो वो ये हमारे पूर्वज जहाँ से आए हैं वो बहुत पुराना इतिहास है और अभी तक बचा हुआ है धर्म रामायण की वजह से। इसलिए रामायण की कथा हमारे परिवारों में, हमारे समाज में और हमारे अपने जीवन में ये कथा एक सकारात्मक पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस लाएगी कि हम अपने परिवार में कैसे व्यवहार करें, तो इसकी बहुत आवश्यकता है। सो अभी समय तो शोभा यात्रा के उपरांत प्रवचन का यहाँ पूरा होता है, शाम को भगवान श्री सीताराम की कृपा से लक्ष्मण हनुमान की अनुकंपा से अपन राम कथा का आरंभ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।